नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एस आरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसमें कि वाराणसी प्रमुख है, तथा हमने अपने गोदौलिया का नया अवतार की विशेष श्रृंखला में आपको पहले भी चरणबद्ध जानकारी दिए हैं। इसी क्रम में आज हम पुनः आपके लिए गोदौलिया की नवीन जानकारी लेकर के आए हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोदौलिया वाराणसी का हृदय स्थल है, और काशी आने वाले संभवतः प्रत्येक व्यक्तियों की यह मंशा होती है कि वे काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट एवं काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कर सकें, और जिसके लिए गोदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों का आना निश्चित ही होता है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण से वाराणसी के हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले गोदौलिया क्षेत्र को विदेशों की तर्ज पर विशेष रूप से लंदन स्ट्रीट के जैसे इस गोदौलिया मार्केट को विकसित किया जा रहा है, जिसके पश्चात यहां आने वाले पर्यटक इस मार्केट में पहुंचकर बनारस नहीं अपितु विदेश में होने की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी अनुभूति अभी से ही होने लगी है। बता दें कि पर्यटन विभाग के प्रसाद योजना के अंतर्गत गोदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक के मार्ग का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, और इसके लिए इस मार्ग पर स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन कार्य अर्थात पैदल चलने वाले मार्ग का निर्माण लगभग 11 करोड़ रुपए के मूल्य से हो रहा है, जिसकी कार्यदायी संस्था है राजकीय निर्माण निगम। गोदौलिया का स्वरूप परिवर्तन के लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए सिरे से मार्ग का निर्माण हो रहा है, तथा यह निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वो है पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, मार्ग के दोनों ओर नालियों का निर्माण, गोदौलिया चौराहे एवं दशाश्वमेध तिराहे पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक बुलार्ड का निर्माण, फुटपाथ किनारे पत्थर तथा मार्ग पर कुर्सी एवं पौधे इत्यादि। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी के हृदय स्थल अर्थात गोदौलिया पर हो रहे विशेष स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन का विकास कार्य बीते वर्ष लॉकडाउन से ही संचालित है, तथा यहां के मुख्य मार्ग पर लाल पत्थर लगाने का कार्य भी बीते वर्ष दिवाली के पहले ही पूर्ण हो चुका था, परंतु साइड के कार्य कुछ शेष थे, जिसको पूर्ण करने से पूर्व गोदौलिया चौराहे का कार्य को पूरा किया गया है, जो कि लगभग 3 महीने पहले तक पूर्ण हो चुका है। परंतु यह कार्य यहां तक ही सीमित नहीं था, एवं जैसा कि हमने आपको इस श्रृंखला के 5वें भाग में बताया था कि गोदौलिया को भव्य स्वरूप देने के लिए अब गोदौलिया से ज्ञानवापी होते हुए मैदागिन तक के मार्ग को संवारा जाना है, जो कि चल ही रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको अपने गौरव पथ के वीडियो में दी है, एवं आज हम आपको गोदौलिया से गिरजाघर चौराहे तक के निर्माणाधीन मार्ग की भी वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दे रहे हैं, एवं इसके लिए हम आपको एक्सक्लूसिव टॉप व्यू और निकट दृश्य भी दिखाएंगे। बता दें कि गिरजाघर से गोदौलिया वाली साइड के मार्ग को पहले ही कंक्रीट में परिवर्तित किया जा चुका है, तथा कुछ महीनों के पश्चात अब गोदौलिया से गिरजाघर के साइड के मार्ग का निर्माण इस समय तीव्र गति से संचालित है। इसकी तीव्रता को दर्शाने के लिए हम आपको मात्र 2 दिन की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 2 दिनों में ही यहाँ पर कंक्रीट मिक्सचर से ढलाई आरंभ हो गई है, जबकि इनमें से 1 दिन तो पूरे दिन भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण से कार्य भी बाधित हुआ था, एवं इस गति से क्रियान्वित कार्य को देखते हुए हमें आशा है कि इसी महीने तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। परंतु गोदौलिया के नए अवतार में केवल इतना ही नहीं है। हम आपको बता दें कि गोदौलिया से दशाश्वमेध तक के मार्ग के भी बचे हुए कार्य का समापन किया जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की वर्तमान समय तक आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो यह प्रोजेक्ट उनके अनुसार 95% से अधिक पूर्ण हो चुका है, एवं इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की पहले निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर 2020, तथा फिर 31 मार्च 2021 हुई है, परंतु जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कार्य कुछ अभी भी शेष है, जिसकी की वर्तमान परिस्थिति एवं कार्य की प्रगति आपके समक्ष प्रस्तुत है, एवं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार विश्वनाथ गली के पश्चात खिचड़ी बाबा से आगे
जो मार्ग के किनारों पर कार्य शेष था उस पे भी अब कार्य आरंभ हो चुका है एवं इस स्थान पर लाल पत्थर की रेलिंग लगाई जा रही है जिनमें से कुछ लग भी गई हैं तथा इसके विपरीत मार्ग के दूसरी ओर के भी दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि अभी इस ओर कार्य आरंभ नहीं हुआ है परंतु शीघ्र ही होगा एवं उसके लिए यहाँ पर पहले से ही दोनों प्रकार के पत्थरों को उपलब्ध करा दिया गया है जिन पत्थरों के निकटतम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध तक के पूरे क्षेत्र को पिंक कॉरिडोर में बनाया जाना है जिसके अंतर्गत अधिकतम भवनों व दुकानों को गुलाबी रंग में रंगा जा चुका है एवं जो शेष हैं उसे भी गुलाबी रंग में रंगा जा रहा है जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत है। दरअसल गंगा आरती को देखने के लिए प्रतिदिन देश और विदेशों से 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ इस एरिया में उमड़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष धार्मिक अवसर जैसे कि देव दीपावली पूर्णिमा व अमावस्या पर घाटों पर स्नानार्थियों की भी भारी संख्या पहुंचती है। इसी के लिए गोदौलिया मार्केट को पूरी तरह से विदेशों के बड़े मार्केट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है या यूं कहें तो लंदन स्ट्रीट की तरह। इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को यहाँ की बेहतरीन लाइटिंग भी आकर्षित करेगी और इन्हीं सुंदरता के साथ वे यहाँ पर यादगार समय भी बिता सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह गोदौलिया चौराहा वाराणसी का एकमात्र पत्थर वाला चौराहा बन चुका है। बता दें कि यहाँ ठीक चौराहे पर अब तक काली पेंट वाली सड़क थी जिसे तोड़कर पत्थर का चौक लगाया जा चुका है तथा चुनार के लाल पत्थरों से चौराहे को सुंदर बनाया गया है। चौराहे पर पत्थर के पिलर पर काले रंग के नंदी भी पहले से ही विराजमान हैं, जिनका मुंह बाबा विश्वनाथ की ओर है। इसके ठीक नीचे पत्थर के आकर्षक चौके अब लग चुके हैं एवं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पाथवे कार्य में महत्वपूर्ण अब इस चौराहे पर पत्थरों के आकर्षक फूलों की डिजाइन बनाई गई है जो कि बारिश में गीली होने पर अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है एवं इस गोदौलिया चौराहे की सुंदरता को भली भांति दिखाने के लिए हम आपको इस गोदौलिया चौराहे का टॉप व्यू भी दिखा रहे हैं जिससे कि आप काशी के हृदय स्थल को अच्छे से देख सकें। जानकारी के लिए बता दें कि गोदौलिया पर वाराणसी का सबसे पुराना कपड़ा मार्केट व गंगा घाट का मार्ग तो है ही साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले दो प्रवेश द्वारों में से एक ज्ञानवापी व दूसरा विश्वनाथ गली का सिंह द्वार भी यहीं से प्रशस्त होता है जो कि गोदौलिया की महत्ता को और भी बढ़ाता है। इसी कारण से इस क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ती है जिसके समाधान के लिए इस गोदौलिया चौराहे पर वाराणसी का पहला मल्टी लेवल पार्किंग भी बनकर तैयार हो चुका है जिसकी विस्तृत जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दी है तथा इस पार्किंग की वर्तमान दृश्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। महत्वपूर्ण है कि गोदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग पर पत्थर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बचे हुए साइड के कार्य भी अब संचालित हैं एवं गोदौलिया से गिरजाघर के मार्ग का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त गोदौलिया से मैदागिन मार्ग पर भी गौरव पथ का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है। एक बार यह सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात गोदौलिया परिक्षेत्र अपनी सुविधाजनक व अलौकिक सुंदरता से काशी की वैश्विक छवि को और ऊंचा कर देश के सम्मान में भी वृद्धि करेगा। मित्रों यदि आपको हमारे गोदौलिया के नए अवतार की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।